व्यवस्था को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि पुनः 25 मार्च से 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। काफ़ी सकारात्मक हम लोग का प्रभाव कोरोना की जनित महामारी में पड़ा है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। एक समय हम लोगों का जो रेट था इन्फेक्शन का जो 16,000 के आसपास चला गया था पूरे राज्य में, और अभी वर्तमान में 4,000 के आसपास है। बक्सर में भी 200 के आसपास का आंकड़ा था, 165-180 अभी वर्तमान में जो है 18 के आसपास है, पिछले दिन में 24 था, अभी 18 हुआ। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बिहार सरकार के दिए गए निर्देश के आरोप में अपनी 144 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मार्च से 1 अप्रैल जो है पुनः तीसरी बार जो है कि लॉकडाउन लगा दिया है। विस्तार से आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। आप लोगों के माध्यम से हम सारे बक्सर के अगल बगल की जनता से अवगत कराना चाहते हैं कि इनके कड़ाई से पालन करने में हम लोगों को सहयोग करें। सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि अभी शादी का माहौल है, शादी के माहौल में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 20 जन जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखा जा रहा है कि बाहर से लोग गाड़ियों पर जो है किसी शादी का एक अपना लगा लेते हैं, शुभ विवाह का होता है, वो समझते हैं कि वही उनका पास है। टाइमली वो उनका पास नहीं है। जिस जिले से आप चल रहे हैं, बिहार के किसी भी जिले से चल रहे हैं, बक्सर में अगर आपको आना है तो उस जिले का पास होना चाहिए। अन्यथा जो है कि हमें उनको भी समस्या है, हमको भी समस्या है। यदि आपको बक्सर से बाहर किसी जिले में आरा में जाना है, कैमूर में जाना है, बलिया में जाना है, तो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय आपको पास नहीं कर रहे हैं। विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है पास हमारे एस डी ओ महोदय विशेष परिस्थितियों में आप लोगों को निर्गत कर रहे हैं जो आवश्यक चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो मेडिकल प्रोवाइड किया कि जो मेडिकल इमरजेंसी है उनको इस लॉकडाउन से हम लोगों ने डिबार किया है, उनको अनुमति है बाहर निकलने का। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दवा के लिए वो अपने बाहर निकल जाए, दो आदमी 3 आदमी निकल जाए, गाड़ी से निकल जाए, तो इस पर थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो सब्जी के लिए हम लोगों ने सुबह में 8 से 12 का अवधि दिया है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि वहाँ पे कुछ हम लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो उसमें थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वहाँ जब 7-8 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने के पहले की क्या स्थिति थी और लॉकडाउन लगाने के बाद की स्थिति क्या है, हर लोग जो है कि मैं आपको डर के साय में जी रहा है। कहाँ हमारा 180 मैक्सिमम कितने 180 का 200 के आसपास गया था, और वर्तमान में जो है कि